फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। जो एग्रोनॉमी का कुछ पोर्शन बचा हुआ है वो अगले वीडियो में कुछ वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर कर देंगे, क्योंकि बीएचयू का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, उसमें भी हॉर्टिकल्चर भी पूछा जाता है लगभग। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा आ जाते हैं, एग्रोनॉमी से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन चलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है कि इससे आना तय है या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर बात करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर को हिंदी में सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान बोला जाता है। ठीक, हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है हॉर्टस और नेक्स्ट है कल्चरा प्लस कल्चरा। ठीक, कल्चरा का हॉर्टस का हॉर्टस की जो मीनिंग होती है वो होती है गार्डन, सभी जानते होंगे गार्डन। और कल्चरा की मीनिंग होती ग्रोइंग, यानी किसी भी चीज़ गार्डन को ग्रो करना। भाई गार्डन में क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि डेकोरेशन वाले प्लांट होते हैं वो सभी आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो वो गार्डन में सभी आ जाते हैं। ठीक, तो हॉर्टस की मीनिंग होती है गार्डन और कल्चरा की मीनिंग होती है ग्रोइंग, ग्रोइंग ऑफ गार्डन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के भी अंतर्गत कई ब्रांच आती हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, तो आपको याद रखना है हॉर्टस से लिया गया है। हॉर्टस की मीनिंग होती है गार्डन और कल्चरा की मीनिंग होती है ग्रोइंग, यानी गार्डन को ग्रोइंग करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसकी मेनली चार ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो चार हैं। पहली ब्रांच है पोमोलॉजी, यहां भी समझ लीजिए ये क्या है पोमोलॉजी। मैंने पहले बताया था कि जो पोमोलॉजी और नोमी वर्ड के जो भी पीछे लगा हो वो क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पोमो है उसको लैटिन वर्ड के पोमोस से लिया गया है, ये पोमस से लिया गया है, और जो लॉजी है वो लॉगोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पोमोलॉजी है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों से मिलके बना है। जैसे कि जो पोमस है वो क्या है, लैटिन वर्ड जिसकी मीनिंग होती है फ्रूट के, क्या मीनिंग होती है फ्रूट, आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है तो आप इसमें दिया रहेगा ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड या दोनों या कोई नहीं। ठीक है, कोई भी भाषा दी जा सकती है, तो आपको याद रखना है जो पोमोलॉजी है वो क्या है, लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों से मिलके बना है। लैटिन वर्ड बता दिया पोमस है, पोमस की जो मीनिंग होती है वो होती है फ्रूट, और लॉगस की मीनिंग होती है स्टडी, या कह सकते हो एक भाषा में कह सकते हो फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ये क्या है, पहली ब्रांच है। सेकंड ब्रांच है इसकी ओलरीकल्चर, नेक्स्ट ब्रांच है इसकी ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर को हिंदी में कहते हैं सब्जी विज्ञान। जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं, फूल गोभी, पात गोभी, जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ओलरीकल्चर के अंतर्गत। आईसीआर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है ओलरीकल्चर, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलरीकल्चर। ये सेकेंड ब्रांच है। नेक्स्ट है आपकी फ्लोरीकल्चर, थर्ड है फ्लोरी, इसे कहते हैं फूल विज्ञान। जितने भी पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, किसके अंतर्गत आते हैं, ये फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि फूल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे फ्लोरी कल्चर, और सब्जी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। देखो अब बात आती है नेक्स्ट ब्रांच की, उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कि हम फ्रूट या वेजिटेबल्स को तोड़ते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे देखो उसमें क्या होता है, फ्रूट की पिकिंग होती है, तो वो भी हार्वेस्टिंग मेथड हुआ, तो उसको हार्वेस्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें जब हार्वेस्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद क्या होता है, उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें जो अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। भाई किस किस केमिकल का हमें प्रयोग करना है, जिससे क्या है, फ्रूट जो है, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह हम ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या होते हैं, पेरिसेबल नेचर के होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। जैसे कि क्या होता है, आम का अचार बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आ गया,
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। हम अगर हम उसमें जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नहीं मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है, स्पॉयल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फसलों को हार्वेस्ट करने के बाद जो भी उसमें प्रोसेस जो लंबे है, जो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी उसमें केमिकल्स वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो उसके किसके अंतर्गत आती है वो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये जो मेन चार ब्रांचेस हैं, ठीक है, पहली थी पोमोलॉजी जिसे कहते हैं फ्रूट साइंस या फलों का अध्ययन भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट अगला था ओलरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन कहलाता है। फिर है फ्लोरीकल्चर, फूल विज्ञान, ठीक है, तो इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक। अब बताएंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें पोमोलॉजी। उससे जानने से पहले समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो सब्जी उत्पादन है कौन सा राज्य करता है और फल उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले फ्रूट की बात करेंगे, फलों की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो फलों का प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जी की बात करें, सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या है, सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल, जैसे प्रोडक्शन पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट का प्रोडक्शन पूछ लिया जाता है कि भाई जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है या एरिया किसका ज़्यादा है, तो हम फ्रूट्स की बात करेंगे। देखो, अगर एरिया की बात करें फ्रूट्स में कि किस फल का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो याद रखना मैंगो क्या है, भारत फलों में सबसे ज़्यादा एरिया जो है, क्षेत्रफल है, वो है मैंगो का। नेक्स्ट है सिट्रस, जिसे कहते हैं नींबू, सिट्रस। थर्ड है बनाना, ठीक है। पहला एरिया आता है, सबसे हाईएस्ट एरिया है, क्षेत्रफल है मैंगो का। फिर है सिट्रस, ये जिसे कहते हैं नींबू। देखो सिट्रस नींबू वर्गी में कई आ जाते हैं, ठीक है, वो हम जब फसल आएगी उसमें बताएंगे, ठीक। थर्ड है बनाना, ठीक है, जो थर्ड एरिया है वो बनाना है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, भाई इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, प्रोडक्शन, ठीक। तो प्रोडक्शन में भी क्या है, मैंगो, बनाना और सिट्रस, मैंगो, बनाना, सिट्रस, ठीक है। तो प्रोडक्शन में ये आ जाता है सीक्वेंस, तो आपको याद रखना है प्रोडक्शन किस फ्रूट का ज़्यादा होता है और एरिया किसका ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो फ्रूट पहले पोमोलॉजी है क्या, पोमोलॉजी, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया। पोमोलॉजी क्या है, लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों से मिलके बना है। जे लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से है, पोमस, और फिर ग्रीक जो वर्ड है उसको कहते हैं लॉगस। पोमस की मीनिंग होती है फ्रूट और उसकी मीनिंग होती है स्टडी, ठीक है, या अध्ययन या साइंस कह सकते हो। तो फ्रूट साइंस को ही हम पोमोलॉजी कहते हैं, या फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, ठीक। इसमें आता है फल, भाई फ्रूट क्या है, फ्रूट फल है क्या, फल क्या है, मैच्योर ओबरी, फल क्या है, मैच्योर ओबरी, जिसे कहेंगे हिंदी में परिपक्व अंडाशय ही कहलाता है फल। ये हम याद रखेंगे, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, फल है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई फल होता क्या है या परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे परिपक्व अंडाशय को बोलते हैं फल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, यानी सत्य फल और असत्य फल। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा सत्य फल है, कौन सा सत्य फल है, तो भाई आपको जब पता होगा तभी कर पाओगे। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है ट्रू फ्रूट्स, सेकंड है फॉल्स, सत्य और असत्य फल कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, ओवरी से होता है, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन ओवरी या अंडाशय से होता है वो कहलाते हैं सत्य फल। सत्य फल की कैटेगरी में आ जाते हैं जैसे हमारा हो गया मैंगो और पपाया, ये क्या है,
सत्य फल हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गए सत्य फल के, आप याद रखना मैंगो और पपाया और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पहले समझ लेंगे कि सत्य फल क्या है, कि ऐसे फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है वो क्या कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है असत्य फल या फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण पर अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को देखो इसमें क्या है कि छोड़ दिया गया है, अंडाशय को छोड़कर अन्य किसी भाग से होता है। अन्य किसी भाग में क्या आ जाएगा, कैलेक्स आ जाएगा, करोला आ जाएगा, जैसे कहते हैं दल, परिदल, पुंज, मतलब अंडाशय को छोड़ के किसी भी भाग से अगर फ्रूट का निर्माण हो रहा है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, फाल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लीची, लीची और लीची एप्पल और गुआवा, लीची एप्पल और गुआवा ये क्या है, फाल्स फ्रूट है। तो आपको याद रखना है ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, सत्य फल क्या होते हैं और फाल्स फ्रूट क्या होते हैं, इनके उदाहरण कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन हो गया। देखो कि पहला क्या था, सत्य और असत्य के आधार पर कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या होता है कभी कभी हम जैसे कि फ्रूट मैच्योर नहीं हो पाता है और हम जैसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी कि हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी से मतलब जब पक जाता है फ्रूट हमारा उससे पहले क्या होता है कभी कभी तोड़ लेते हैं फ्रूट को, तो क्या होता है कि कभी कोई फ्रूट जो है कुछ पक जाते हैं कुछ नहीं पकते हैं। ठीक है, तो उनके उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, उस आधार पर क्लाइमेट्रिक फ्रूट जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायवी फल, और सेकंड है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। ठीक है, देखो क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं समझ लीजिए, इनको या कह सकते हो मैच्योर भी कह सकते हो और अपरिपक्व अवस्था भी कह सकते हो, कि यानी कि पौधे से फल तोड़ने के बाद क्या होते हैं, ये पक जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम आम को क्या होते हैं कच्ची अवस्था हम तोड़ लें तो कुछ दिन उसे रख देते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन में रख देते हैं तो क्या होता है पक जाता है, ठीक है, राइप हो जाता है वो, तो वो क्या कहलाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, या ऐसे कह सकते हो उसे, एक भाषा में कह सकते हो कि ऐसे फल जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं वो कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट या जलवायवी फल। इसके एग्जाम्पल हैं मैंगो पपाया सपोटा फिग पीच बनाना, ये क्या है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। यानी कि इनको अगर हम पौधे से तोड़ लेंगे पेड़ से तोड़ लेंगे तो क्या होता है कुछ समय बाद ये कुछ दिन बाद रखने के बाद पक जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब नॉन क्लाइमेट्रिक इसको हिंदी में कहते हैं अजलवायवी फल, ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। यानी कि हम जैसे कि नींबू को तोड़ लें उसे रखे रहें तो वो क्या होता है पकता नहीं है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे फल जो तोड़ने के पश्चात पकते नहीं उन्हें कहते हैं हम राइप नहीं होते उन्हें कहते हैं हम नॉन क्लाइमेट्रिक। उनके एग्जाम्पल हैं सिट्रस, पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप और बेर, अंगूर और बेर, ये क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो इनके एग्जाम्पल कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि निम्न में कौन सा फ्रूट जो है नॉन क्लाइमेट्रिक है, या पूछा जा सकता है निम्न में कौन सा फ्रूट क्लाइमेट्रिक है, या देखो क्वेश्चन भी बदला भी जा सकता है, निम्न में ऐसे दे दिया कि निम्न में कौन सा फल क्लाइमेट्रिक नहीं है यानी जलवायवी नहीं है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसके बाद अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब बात करेंगे देखो जो ऑर्चर्ड होता है गार्डन होता है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि क्या लोकेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है, कैसी सॉयल होनी चाहिए, ठीक है, और स्लोप लैंड का स्लोप जो है भूमि की जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, उसके आधार पर जब हम लैंड का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद हम कहीं
गार्डन गार्डन एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ वहाँ पौधे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे सिलेक्शन ऑफ, उसके लिए क्या करेंगे पहले साइट का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर गार्डन या ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड ठीक। तो क्या क्या है इसमें ध्यान रखेंगे भाई, साइट का सिलेक्शन में क्या क्या ध्यान रखेंगे, उसका लैंड स्लोप ध्यान रखेंगे। देखो लैंड स्लोप क्या होता है, भूमि का ढाल, लैंड स्लोप भूमि का ढाल कितना होना चाहिए। जैसे लैंड स्लोप क्या होता है, जहां पर जिससे जिस भूमि का ढाल, जैसे जैसे स्लोप बोलते हैं ढाल, लेस देन 5% से कम हो, जहां भूमि का ढाल 5% से कम हो वहां पर क्या है हम गार्डन या ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां पे हम गार्डन यानी उगा सकते हैं ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है, मान लीजिए इससे 5% से ज़्यादा है, तो वो गार्डन के लिए सुटेबल नहीं है। अगर उगाएंगे भी, जैसे कि उसकी भी देखो एक रेंज है, मान लीजिए आपके पास 15% से अधिक है, यानी कि 15% से स्लोप ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है उसमें, हम भाई नहीं सजेशन दिया जा सकता कि आप यहाँ गार्डन लगाइए ठीक। अगर 5 से 15 के बीच में है, तो उसमें कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, उस वो करने के बाद हम क्या करेंगे गार्डन को वहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट में क्या देखेंगे हम, लैंड स्लोप देखेंगे भाई, लैंड का स्लोप कैसा है। दूसरी चीज़ लोकेशन देखेंगे भाई, कहाँ है ये ठीक। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमेशा जो जैसे वहाँ कहीं गाड़ी ने ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम नहीं है ठीक है, मार्केट दूर है, तो वहाँ करने से क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है और ये भी लगेगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा उसकी भी हमें अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम जब ये गार्डन के लगाते हैं जहाँ पर, वहाँ देख लेते हैं भाई मार्केट क्या है, वहाँ सप्लाई क्या है ठीक है, वहाँ ट्रांसपोर्ट आज जो आय निर्यात आयात हो सकता है ठीक है, उसके आधार पर। दूसरी चीज़ स्लोप ठीक, स्लोप मैंने बता ही दिया है 5% से कम होना चाहिए, अगर 5% से कम है तो गार्डन के लिए अच्छी भूमि है ठीक। दूसरी चीज नेक्स्ट बात करेंगे सोलर रेडिएशन की, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि हम किसी जैसे कि हमेशा छाया पड़ती रहती है, धूप कम पड़ती है, उस साइड में हम ऑर्चर्ड को लगा देते हैं, तो क्या होता है फ्रूटिंग जो प्रॉपर पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता और पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे साउथ फेंसिंग में हमेशा हम गार्डन को इस्टेब्लिश करेंगे ठीक है, इतना याद रखेंगे। दूसरी चीज आ जाती है सॉयल भाई, सॉयल कैसी होनी चाहिए, मृदा, सॉयल मृदा ठीक है, मृदा ये सॉयल का मतलब है कि वहां पे हम ध्यान रखेंगे किस प्रकार की सॉयल है, फर्टाइल है, फर्टाइल यानी उर्वर, उसमें कैपेसिटी है किसी भी वेजिटेबल्स सॉरी फ्रूट्स को उगाने की ठीक है, तो उस पर ध्यान रखेंगे हम। तो सॉइल की बात करेंगे तो कुछ सॉइल जैसे कि जो जो जिन फलों को फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है, यानी उर्वर भूमि की जिसकी फर्टिलिटी हाई होती है, उसको कहते हैं फर्टाइल सॉइल। तो कैसे कौन कौन से फ्रूट हैं जिनको हाई फर्टिलिटी की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखेंगे मैंगो, बनाना और गुआवा ठीक है, ये क्या है, और इसमें एक और आ जाता है आपका पपाया, पपाया ठीक है। ये क्या है कि अगर लो फर्टिलिटी वाली सॉइल होगी, अनफर्टाइल होगी, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होगा, उनमें ये ग्रो नहीं कर पाते, या ग्रो भी हो भी जाएगा तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही कम आएगी। तो हम ध्यान रखेंगे फर्टाइल सॉइल में कौन कौन से फल उगाएंगे हम, अगर सॉइल फर्टाइल है तो पपाया, मैंगो, बनाना और गुआवा ठीक। अब बात करेंगे लो फर्टिलिटी यानी लो फर्टाइल सॉइल, लो फर्टाइल सॉइल ठीक। लो फर्टाइल सॉइल में कुछ है, जैसे कि बेर एग्जांपल आ जाता है, बेर और फालसा, बेर फालसा क्या है लो फर्टिलिटी में हम उगा सकते हैं। एक चीज और याद रखना, जितने भी ये फ्रूट हैं लगभग क्या है, इनको हम लाइट टेक्सचर सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। लाइट टेक्सचर सॉइल मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, हल्की मृदा होती है, जिस सॉइल का जो पार्टिकल होता है, कण होता है, बड़ा होता है, वो कहलाती है हल्की मृदा। जिस सॉइल का पार्टिकल छोटा होता है, सबसे कम जैसे क्ले आ जाता है, तो क्या होता है आपस में बाइंड रहता है, यानी कि एडेजन या जो फोर्स होते हैं एडेजन और कोएजन, यानी कि जो सेम पार्टिकल होता है वो कोएजन होता है, तो कोएजन द्वारा क्या होता है वो बाइंड रहते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है भारी सॉइल ठीक है, अकॉर्डिंग टू टिलेजेंड्रेंस ठीक। तो जितने भी लगभग जो फ्रूट हैं वो लगभग क्या है लाइट टेक्सचर सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं ठीक। तो ये हो गया सॉइल, तो फर्टाइल सॉइल में क्या है, पपाया, मैंगो,
और बनाना, गुआवा, ठीक, लो फर्टाइल सॉइल में बेर और फालसा को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच की। तो पीएच क्या है, कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे जो फालसा है, ये क्या है कि हम जो हाई पीएच सॉइल होती है, जो साल्ट अफेक्टेड एरिया है जहां पर पीएच ज्यादा होता है, वहां पर भी हम उगा सकते हैं फालसा को भी और आंवला को भी। फालसा और आंवला, आंवला क्या है कि आंवला भी लो फर्टिलिटी में ग्रो हो जाता है, अच्छा प्रोडक्शन भी देता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ठीक है, तो आंवले को भी जो पीएच है वो अधिक की आवश्यकता होती है, बेर को भी पीएच की अधिक पीएच की आवश्यकता होती है। तो जो ये है उनमें फसलों में हम बता देंगे भाई कि किसका कितना पीएच होता है, ठीक है, जिसका पूछा जाता है। ठीक, ये बात हो गई सॉइल की। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप। भाई स्लोप जो भूमि का स्लोप है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमें याद रखना है साउथ, साउदर्न या साउथ, साउथ की तरफ स्लोप हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और देखिए, जहां पर जो सॉइल अंडुलेटिंग होती है, उबड़ खाबड़ होती है, वहां पर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि जो जैसे स्लोप इधर है साउथ की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, अक्रॉस प्लाविंग करेंगे। अगर हम अलोंग द स्लोप करेंगे, स्लोप के साथ साथ जुताई करेंगे, तो क्या होता है, इरोजन के चांस बढ़ जाते हैं, मृदा क्षरण होने लगता है। जब भाई मृदा क्षरण होगा तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल है, जो ऊपरी फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, 1 से 15 सेंटीमीटर की क्या होती है, इरोजन द्वारा बह जाती है, जिससे क्या है जो फर्टिलिटी है हमारी कम हो जाती है, न्यूट्रेंट कंटेंट सब बह जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कल्टीवेशन क्या करेंगे, अक्रॉस द स्लोप करेंगे। अगर जो भूमि का हमारा स्लोप ज्यादा है तो स्लोप के अक्रॉस करेंगे, ठीक है, अलोंग नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ स्लोप किस तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए। तो ये बात हो गई हम गार्डन किस तरफ हम जो सिलेक्शन साइट है वो कैसी होनी चाहिए, इसके इसके अंतर्गत ये आ गया। ठीक, अब बात करेंगे फ्रूट में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई फ्रूट का, वो पहले बता दिए, एक साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है, फैमिली भी पूछ ली जाती है, और क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ये जनरल जानकारी होगी, ये आपको पता होनी चाहिए, वैरायटी भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रवर्धन, यानी कि जो प्रोपोगेशन होता क्या है, समझ लीजिए, प्रोपोगेशन जिसे कहते हैं प्रवर्धन, प्रवर्धन। देखो जनरली मैंने क्या पढ़ा है, जो अभी जो फील्ड क्रॉप थी उतने उसमें सभी में क्या था कि हम सीड द्वारा जितने भी सोइंग करते थे सीड द्वारा करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, किसी किसी में सीड प्रोडक्शन होता ही नहीं है, जैसे बनाना, बनाना में क्या है, सीड द्वारा नहीं होता उसमें, भाई सीड किसी ने नहीं देखा होगा लगभग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो प्रोपोगेशन होता है, पूछा जाता है कि मदर प्लांट से किस विधि द्वारा हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, वो स्टडी करते हैं हम प्रोपोगेशन के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं लीची, लीची, लीची में क्या है, पूछा जाता है कि लीची में किस प्रकार का प्रवर्धन होता है या प्रोपोगेशन होता है, तो आप इसमें लगाते हैं एयर लेयरिंग, हवा में गूटी, एयर लेयरिंग। ठीक है, तो एयर लेयरिंग क्या होती है, समझ लीजिए क्या होता है, जैसे कि मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है किसका, लीची का। ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमें जो ब्रांच होती है जिसका हमें पौधा बनाना होता है, जो न्यू प्लांट बनाना होता है, क्या करते हैं हम उसे, उसमें बार्क को हटा देते हैं, जो ऊपर की बार्क होती है उसको हटा देते हैं, और यहाँ सॉयल या FYM पे जो एक हार्मोन आता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक, और उसको स्प्रे कर देते हैं और टाइट बांध देते हैं, उसको टाइट बांध देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से रूटिंग होने लगती है, जड़ निकलने लगती है, जब सफिशियंट समय ले लेती है, जड़ बाहर निकलने लगती है, तुम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं और इसे सॉइल में लगा देते हैं। तो ये क्या है कि मेन जो हमारा मदर प्लांट है उससे क्या है कि हम पौधे करने के कैसे पौधा तैयार कर सकते हैं, तो ये एयर लेयरिंग पूछा जाता है किसमें है। तो ये जनरल जो कॉमन सी चीज है कि प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि मदर प्लांट से एक न्यू प्लांट तैयार करना क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कहलाता है। दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है भाई, प्रोपोगेशन करने के टाइम, भाई उसका जो टाइम है कब करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि बेर, बेर का कॉमनली पूछा जाता है, तो बेर में जो है प्रवर्धन कब किया जाता है, या ट्रेनिंग प्रूनिंग पूछ ली जाती है, ठीक, तो आप याद रखना। और दूसरी चीज आती है ट्रेनिंग प्रूनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग,
ट्रेनिंग और प्रूनिंग, कटाई छटाई जिसे बोलते हैं, कटाई और छटाई क्या करते हैं जब हमारी पौधे में क्या होता है, जब प्रोडक्शन जब फ्रूटिंग हो जाती है, जब हम पूरे फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो उसमें फ्रूट नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं हम काट देते हैं जिससे कि नई ब्रांचों में फ्रूट ज़्यादा लगें, ठीक है। तो वो होती कटाई छटाई के अंतर्गत, तो उसका टाइम भी पूछा जाता है किस में किस प्रकार की जो कटाई छटाई है उसमें की जाती है, कब की जाती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं देखो वैरायटीज़ की, तो वैरायटीज़ कॉमन है कि आपको पता होनी चाहिए, सब जितनी भी फ्रूट्स क्रॉप हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है डिजीज़, डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट, ये तो सब भाई जब अगर देखो जो जो फसल है उसमें डिजीज़ भी लगेंगे, ठीक है, उसका मैनेजमेंट भी होगा, तो किसी के मेजर डिजीज़ होते हैं किसी के माइनर होते हैं, तो इसमें क्या है कि कॉमनली क्या होता है मेजर डिजीज़ पूछे जाते हैं कि जैसे कि मान लो मैंगोई का पूछ लिया जाता है कि मैंगो का मुख्य डिजीज़ कौन सा है, तो आप याद रखना मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब क्रॉप आएगी उसके बाद हम अकॉर्डिंग बताते रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे हम शुरू करेंगे फ्रूट फ्रूट के बारे में, कि सबसे पहले फसल पढ़ाएंगे आपको आम, तो कल से हम आपको आम शुरू करेंगे। धन्यवाद।